पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जल्द ही उत्तर प्रदेश की जेल में आने वाला है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर शनिवार को पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मुख्तार अंसारी का हैंडओवर 8 अप्रैल से पहले लेने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यूपी ले जाते वक्त अंसारी की मेडिकल कंडीशन का भी ध्यान रखा जाए। पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने ये चिट्ठी यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी को लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले यूपी ले जाएं। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रूपनगर जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने यूपी सरकार से कहा कि मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने से पहले जेल में सारी व्यवस्थाएं और मेडिकल सुविधाएं करा दी जाए। इसके साथ ही शिफ्टिंग के समय अंसारी की मेडिकल कंडीशन का भी ध्यान रखा जाए। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार की चिट्ठी के बाद यूपी में हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो गई है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ स्पेशल सेल में मुख्तार अंसारी को रखा जा सकता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। भेजेंगे, कल ही भेजेंगे, कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे उनको। अभी वो चीज़ें मीटिंग में तय होगी, कहाँ रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका वहाँ का क्या सुरक्षा इंतजाम रहेगी और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से छात्र चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा, और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और आसपास का जो हमारा ज़िले हैं, जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आके रुक रहा हो उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी, और जो किराए पर रहने वालों का लोगों के संबंध में भी जानकारी किया जाएगा। नहीं, जैसे जेल अधीक्षक का जो मांग होगी उसके अनुसार हम करेंगे, मगर जेल के बाहर तो हम एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था का एक दरोगा 2 शिफ्टों में पुलिस टीम लगाया जाएगा। और जो लोग जेल के अंदर जो किसी मामले में गिरफ्तार होकर जो जेल जाएंगे उसके संबंध में एक रजिस्टर अलग से रख के उस पर जाने वाला हर व्यक्ति पर एक कड़ी नज़र रखी जाएगी।